मुंबई के बीएमसी मुख्यालय स्थित शिवसेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के द्वारा जनसभा को किया गया संबोधित। बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को डिसॉल्व हुए हुए, अरे भैया दो साल हो गए, चुनाव क्यों नहीं हुआ? वही तो आपने आपने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं पूछते? उनका काम है ना, संविधान के तहत राज्य के जो महानगर पालिका नगर पालिका के चुनाव है वो जो राज्य के हमारे आयुक्त होते कमीशन के चुनाव आयोग के, तो चुनाव आयोग का आयुक्त जो है उनकी उनकी जिम्मेदारी है। किसने उनको रोका है वो तो पूछ लो, आपकी चिप्पी क्यों है भैया? ये तो असंविधानिक है, ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। संविधान कहता है जनतंत्र सरकार चलाएगी, संविधान कहता है जनतंत्र महापालिका चलाएगी, तो जनता का है वहाँ कौन है भी? वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर? सर लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है चुनाव से, क्या कहना चाहिए? 100% है, तभी तो नहीं ले रहे ना, डर है, डर तो 100% है, वो जानते हैं। अभी भी हमने माननीय संजय राव साहब ने भी घोषणा चुनाव की नारा लगाया, चुनाव ले लो देखो कौन चोर है, स्लोगन लगाते हो क्या? शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे तथा उनके सहयोगियों के नेतृत्व में बृहन मुंबई महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीएमसी मुख्यालय के समीप जनसभा के माध्यम से आक्रोश मोर्चा निकालते हुए विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। इस सभा में लाखों की संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहकर बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सभा के माध्यम से कहीं न कहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। मुंबई के बृहन मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के बिल्कुल समीप खड़े हैं, आज धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना का जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे के द्वारा जो है धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है, बृहन मुंबई महानगर पालिका के कार्यशैली पर सवालिया निशाना खड़ा किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में करीब शिवसेना के समर्थक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में यह जो है धरना एवं प्रदर्शन किया गया, जहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लगातार जो है महिलाओं के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मंच पर। सचिन भाव वहरे, अरविंद सावंत, संजय राउत, आदित्य ठाकरे जैसे गणमान हस्ती दिखाई दे रहे हैं। बटन चालू रखो। Thank you.
भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी साहब जुड़े हुए भ्रष्टाचार रहता से डिजॉल्व हुए हुए। अरे भैया दो साल हो गए, चुनाव क्यों नहीं हुआ? वही तो आपने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं पूछते? उनका काम है ना, संविधान के तहत राज्य के जो महानगर पालिका नगर पालिका के चुनाव है वो जो राज्य के हमारे आयुक्त होते कमीशन के चुनाव आयोग के, तो चुनाव आयोग का आयुक्त जो है उनकी उनकी जिम्मेदारी है। किसने उनको रोका है वो तो पूछ लो। आपकी चिप्पी क्यों है भैया? ये तो असंविधानिक है, ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। संविधान कहता है जनतंत्र सरकार चलाएगी, संविधान कहता है जनतंत्र महापालिका चलाएगी, तो जनता का है वहाँ कौन है भी? वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर? सर लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है चुनाव से, क्या कहना चाहिए? 100% है, तभी तो नहीं ले रहे ना। डर है, डर तो 100% है, वो जानते हैं। अभी भी हमने माननीय संजय राव साहब ने भी घोषणा चुनाव की नारा लगाया, चुनाव ले लो देखो कौन चोर है, स्लोगन लगाते हो क्या? आपने देखा ये लोकप्रिय सांसद थे अरविंद सावंत साहब, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में डर है, इसी वजह से आज जो है 1.5 साल हो चुके हैं लेकिन चुनाव नहीं हुआ है। वही इस अवसर पर चंद्रकांत खैरे जो कि औरंगाबाद के सांसद हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। सर आज जो कहा जाए धरना एवं प्रदर्शन किया गया आपके गुट के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस धरना एवं प्रदर्शन से? नहीं, मुंबई कर और बाकी सभी देशवासियों ने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देखा होगा कि कितनी रश है यहाँ और कितने लोग माननीय उद्धव जी के साथ में हैं, माननीय आदित्य जी के साथ में हैं, ये लोगों ने देख लिया आज। और वो देखने के बाद में मैं यही चाहूँगा कि पूरी जनता देश भर की ठाकरे परिवार के साथ है। आपने देखा ये कहा जाए जन सैलाब दिखाई दिया, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे बृहन मुंबई महानगर पालिका के कार्यशैली पर सवालिया निशाना खड़ा किया गया उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के द्वारा। वहीं आज इस भीड़ में काफ़ी संख्या में लोगों ने लोग शरीक हुए, वहीं आज जो है कहा जाए इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जरूर किया गया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के द्वारा। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।